हार्दिक पांड्या जो पता नहीं क्या बकवास किया था वैसे बकवास ना करें। हार्दिक पांड्या कहाँ है, वेयर आर यू? बस ना देखिए, वर्ल्ड कप चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले ये लोग, तो अच्छा है। सिर्फ करण जौहर की शो में जाके वो हार्दिक पांड्या जो पता नहीं क्या बकवास किया था वैसे बकवास ना करे लड़कियों के बारे में। बस आप सिर्फ देश के लिए खेले, अपने लिए खेले, अच्छी बात है। हार्दिक पांड्या कहाँ है, वेयर आर यू? मेरा इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली विराट है, इज द बेस्ट। Yeah, it's good, man. अच्छा ठीक है। हाँ नहीं कुछ नहीं, देखिए हम तो सब फ्रेंड्स हैं और अभी अंदर आपको आने तो देंगे नहीं, तो धमाल तो हम अंदर करेंगे। ओह शिट, तो आप कुछ नहीं कर सकते। गया सीनियर सिटीजन को, अपने देश के सीनियर सिटीजनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन जो अपनी प्रॉपर्टी होती है बच्चे बड़े होते हैं उनके नाम पे कर देते हैं, तो इसलिए अमेरिका में, लंदन में, अब्रॉड में ऐसा नहीं होता। जब प्रॉपर्टी एक बार हाथ से चली जाती है तो सीनियर सिटीजनों को कोई पूछता नहीं है। तो जब तक आपका एंड ना हो तब तक अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें। और उनके बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में पूंजी जो है वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे बड़े हैं, पैसे नहीं है। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और उनको वैल्यू दो, बिकॉज आज आप अपने सीनियर सिटीज़न मतलब अपने माँ बाप को या उनके साथ आप बुरा व्यवहार करोगे, एक दिन आप तो सीनियर सिटीज़न बनोगे ना, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। सो आई लव माई पेरेंट्स और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी सीनियर सिटीज़न की रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे देश की बहू हो, वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करें। आइए 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 सर, मेरा भी होर्डिंग्स लगा दीजिए सर, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।